टाइम रीडिंग के लिए प्रिंटेड बेहतर ऑप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, ये प्राचीन और मध्यकालीन के लिए बुकलेट है। जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं ये पूरे कंटेंट को कवर नहीं करता, इसलिए और क्वालिटी आप देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो अच्छा ही रहेगा। तो आपका साइंस का जो कंटेंट है वो साइंस इसमें नहीं होता। ये टोटल 5 बुकलेट हैं, ठीक है ना, क्वालिटी की हैं, इसमें संविधान और उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो मैं उसी शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारी फंड ये कहते हैं कि भैया जब भी नया नया स्टडी मटेरियल आता है UPSC का, आप दिखाते रहते हैं राजेश बुक स्टोर पर जाकर के। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं फिर राजेश सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। धन्यवाद जी। जब तक इस फंड के कमेंट आते रहेंगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये बताइए, इस वाले कार्टून में आपने क्या छुपा के रखा है, उसे भी जल्दी से बाहर लेके आइए, बहुत सारी फंड की डिमांड है। दरअसल इसमें नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, तो मैं तो वैसे ही डलवा दिया, इसमें पैकेट में डलवा दिया, एक बार बॉक्स में डाल के दिखा दें। तो इसमें बेसिकली आपके UPSC की तैयारी में, जैसे आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमेशा स्टूडेंट को एक ऐसे मटेरियल की दरकार होती है नोट्स की, कि मतलब कि उस नोट से पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो नोट स्टूडेंट हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर किस कोचिंग का नोट्स लेके पढ़ें। तो हिंदी मीडियम में जो सबसे बेस्ट कोचिंगें हैं अगर उनमें बात की जाए तो विज़न IAS के नोट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इस नोट्स की अगर ख़ास बात की बात करें तो इसका जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन और जो डेप्थ है वो लाजवाब है। मैं इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को, और क्वालिटी भी बेहतरीन होती है, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको, ठीक है, एक बार जो है ना आप थोड़ा डीपली दिखाइए। हाँ, एक बार ये भी जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है कि जैसे स्टैंडर्ड बुक की बात मैंने की थी पिछले एक वीडियो में आपसे, तो स्टैंडर्ड बुक में क्या होता है कि किताबें की जो कीमत होती है उनकी, वो इस बात पर निर्भर करती है किताबें ओरिजिनल हैं या पायरेटेड हैं। कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल किताब पायरेटेड मिक्स कर दिया तो रेट अप एंड डाउन होता है। नोट्स में क्या होता है कि इसमें पेपर प्रिंट की क्वालिटी और लेटर की साइज़ ये मायने रखता है। कई बार इसके रेट को कम करने के लिए लेटर की साइज़ को छोटा कर देना या पेपर प्रिंट क्वालिटी सस्ती यूज़ करना, ये किया जाता है, पर यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होती। एक बार मैं आपको इन सभी चीज़ों को दिखा देता हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि कहीं पे कुछ लोग मिक्स करके दे देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये ज़्यादा कंटेंट भी कम होता है। कई बार लगता है कि यार ये महंगा क्यों दे रहे हैं, वो सस्ता क्यों दे रहे हैं, ऐसा भी कन्फ्यूजन होता होगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ बताया, आप लोग एक बार नोट्स को देख लें। मैं इसे अंदर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके GS के सारे कंटेंट कवर हो जाते हैं विज़न में, कुछ चीज़ें कवर नहीं होती, इस बात को ध्यान से समझें। जैसे एंशियंट एंड मेडिवल की इसमें एक बुकलेट होती है, पर उसमें एंशियंट मेडिवल पूरा कवर नहीं होता, वो एक टॉपिक है लेकिन उस टॉपिक की कवरेज उसमें बेहतरीन नहीं है। उसके लिए आपको RS शर्मा और सतीश चंद्रा लेना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका साइंस का जो कंटेंट है वो साइंस इसमें नहीं होता। साइंस के लिए आपको अलग से जैसे दृष्टि की एक बुक आती है, क्विक बुक, आप वो ले सकते हैं, वहाँ से आपका साइंस की कवरेज ठीक ठाक हो जाएगी, है ना। तीसरी बात, इसमें ऐसे की ये बुकलेट होती है पर ये ऐसे को संपूर्ण रूप से कवर नहीं कर पाएगी। हिंदी मीडियम में ऐसे को और अच्छे से कवर करने के लिए दृष्टि IAS की बुक ले लीजिएगा। ये तीन बातें ज़रूरी हैं जो हमने आपको शुरुआत में बता दी। इसके साथ साथ जब भी आप तैयारी करेंगे एक सिलेबस की बुक ज़रूर लेंगे, ताकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकें। साथ ही साथ PYQ लेंगे, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो उतना और ज़्यादा रिलेटिव हो सके, और ज़्यादा रिलेवेंट हो सके, उसे आपको रिलेट कर सकें, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से चीज़ों को पढ़ें और फोकस करें उन टॉपिकों पर। चलिए हम पहले बुकलेट आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये हो गई ऐसे निबंध, है ना। क्वालिटी आप देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसकी चिंता आप ना करें। ये विज़न IAS के संपूर्ण नोट्स हैं। विज़न IAS के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आते हैं, आपको दोनों माध्यम यहाँ से मिल जाएंगे। हम अभी आपको हिंदी माध्यम को दिखा रहे हैं। ये है सामाजिक समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्या के लिए विज़न IAS ठीक होता है। हालांकि सामाजिक समस्या को और अच्छे से कवर करने के लिए आप राम आहूजा सर की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। और इससे इसकी और चीज़ों को कवर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रिपोर्ट को भी पढ़ा जाता है, गृह मंत्रालय के रिपोर्ट भी आपके काम के होते हैं। आगे आएँ गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और क्वालिटी आप देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो अच्छा ही रहेगा। ये लेकिन सभी सर प्रिंटेड ही रहते हैं? हाँ, ये प्रिंटेड ही होते हैं। वैसे नए स्टूडेंट को हैंड रिटन नोट्स पढ़ना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में कभी भी पूरा कंटेंट कवर नहीं होता, चीज़ें सेलेक्टिव ही होती हैं, जो टीचर जितना लिखवाते हैं चीज़ें उतनी ही होती हैं। लेकिन प्रिंटेड में क्या होता है कि कवरेज ब्रॉड में होती है, और जब नया स्टूडेंट चीज़ों को पढ़ता है तो उसमें डेप्थ और वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं जो उसको चाहिए। इसलिए प्रिंटेड प्राथमिक रूप से फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए प्रिंटेड बेहतर ऑप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, ये प्राचीन और मध्यकालीन के लिए बुकलेट है। जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं ये पूरे कंटेंट को कवर नहीं करता, इसलिए मैंने आपको चीज़ें क्लियर की। मैं गलत काम करता ही नहीं हूँ जी, समझ रहे ना, वो झांसे में लाने वाला तभी तो भाई साहब भी आते हैं यहाँ पे, झांसे में लाने वाला मैं काम नहीं करता। चीज़ें थोड़ी सी कीमत में ज़्यादा हो जाए वो संभव है, क्योंकि मैं कभी भी आपके लोग के कैरियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं ठीक है, लाभ के लिए बिजनेस खोला गया है तो वो तो आप समझ सकते हैं इतना खर्चा कैसे मेंटेन होगा, लेकिन काम ईमानदारी से करते हैं, कभी गलत काम नहीं करते हैं। जो चीज़ें होंगी स्पष्ट रूप से हम आपको बता देंगे, कई बार हमसे गलत हो जाता है, आप हमें बताएं कहाँ पर हमारी गलती, हम उसे ज़रूर सुधार करेंगे। पर भरसक कोशिश हम ये करते हैं आप लोगों के साथ, किसी भी तरह के मटेरियल में या किसी भी चीज़ में और हर चीज़ से कभी भी दिक्कत ना आए, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी के बाद भारत, इसके लिए आप देख सकते हैं ये बुकलेट है। और आगे बढ़ते हैं कला संस्कृति, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं नहीं तो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। ये कला संस्कृति की आप देख सकते हैं ये दो बुकलेट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी दो बुकलेट आती हैं, ठीक है ना। इसमें आपका काम हो जाता है, कवरेज हो जाती है, क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। लेटर के साइज़ वगैरह हम लोग ये सब छोटा बड़ा करने का हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका भारतीय समाज, ठीक है, देख सकते हैं। ये है आपका पर्यावरण, पर्यावरण के लिए आपकी तीन बुकलेट होती हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के लिए बुकलेट है। आपदा प्रबंधन को और अच्छे से कवर करने के लिए इग्नू का नोट्स ले सकते हैं आप, उसमें और अच्छी कवरेज होती है। क्या वो आपके पास मिल जाता है इग्नू का? इग्नू का नोट्स मिल जाता है, सामने है, मैं दिखाइए सर ताकि कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए पूरा साथ के साथ ही। ये इग्नू के नोट्स जो हैं ये आपदा के लिए बेहतर होते हैं और अच्छे होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये है इंटरनल सिक्योरिटी, इसके लिए ये दो बुकलेट आपकी आती है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आपको देखना होगा, पिछली वीडियो मैंने बताया था, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ों पे आपके काम आएगा वो, ठीक है। भूगोल के लिए तो मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, ये काफ़ी है, काम हो जाएगा आपका। टोटल 5 बुकलेट्स होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आईआर है, आईआर के लिए आपके ये तीन बुकलेट्स होती हैं, ठीक है। तीन बुकलेट हो या कभी कभी दो बुकलेट में भी होता है, कंटेंट आपको सेम रहेगा। ये टोटल 5 बुकलेट हैं, ठीक है ना, क्वालिटी की हैं, इसमें संविधान और उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं और बेहतरीन है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मीकांत के बुक में प्री तो सारा कवर हो जाता है, पर मेंस का कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कंटेंट है वो छूट जाते हैं, खास करके जो डिबेट रिगार्डिंग है या जहाँ पे इश्यूज़ हैं वो छूट जाते हैं, तो इसलिए मेंस के लिए वो थोड़ा पर्याप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका एथिक्स, एथिक्स के में 4 बुकलेट होती हैं, और ये जो चौथी बुकलेट है ये केस स्टडी है, ये कई जगहों पर इस्तेमाल होती है, गवर्नेंस में भी जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया उसमें ये काम आती है, साथ ही एथिक्स में और आपके इंटरव्यू में भी काम आती है। बाकी के तीन बुकलेट जो हैं ये तो आपके पेपर 4 से रिलेटेड है ही, है ना। और आगे बढ़ते हैं, ये है आपका इकोनॉमी, इसमें टोटल 5 बुकलेट होती हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको विज़न IAS के पूरे सिलेबस को मैंने दिखाया, ठीक है, इसमें आपका पूरा GS 1, 2, 3 and 4 सारा इसमें कवर हो जाता है। जो चीज़ें आपको बतानी थी वो मैंने आपको साथ के साथ बताते चला हूँ। मैं इकोनॉमी में मैंने बताना भूल गया हूँ, इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी जिस साल एग्ज़ाम दे उस साल पढ़ना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ विज़न IAS की जो PT 365 होती है, जो कि पूरे एक ईयर के करेंट अफेयर्स को कवर करती है, वो एग्ज़ाम टाइम में आता है, इससे लेना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसमें गवर्नमेंट स्कीम मिल जाता है और साथ ही साथ आपको पूरे वर्ष की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको मिल जाती हैं। सर ये जो अभी आपने बताएंगे ये भी प्रीलिम्स में भी काम आती है या नहीं? नहीं, ये प्री और मेंस दोनों में काम आते हैं, प्री प्लस मेंस है, पूरे कंप्लीट सिलेबस है ये, इसमें सब कुछ होता है। इस हर वीडियो के स्क्रीन पे राजेश बुक स्टोर के दो नंबर लगे हुए होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉल करके आप घर बैठे अपने मंगा सकते हैं, जहाँ से भी तैयारी करना चाह रहे हैं।